अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त तकरीबन हर कंट्री अपने आप को टॉप पर रखने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है और मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। और इसमें भी मैं अगर स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इस वक्त 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की डिवेलपमेंट में डिफरेंट कंट्रीज़ में रेस तो चल रही है और बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डिवेलप कर चुकी हैं, बल्कि मज़ीद इसमें एडवांसमेंट की तरफ जा रही हैं। जैसे US, चाइना, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस वगैरह, ये सब कंट्रीज़ 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डिवेलप कर चुकी हैं और इसे यूज़ कर रही हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रही है और उसमें US जो है वो सबसे आगे है। और इस वक्त US अपनी 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और इसके लिए US ने अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसके मुताबिक US 2030 की बिगनिंग में अपना मॉडर्न 6th जनरेशन फाइटर जेट ना सिर्फ डिवेलप कर लेगा बल्कि अपनी फ्लीट में भी शामिल कर लेगा और इसे F-22 रैप्टर के साथ रिप्लेस भी कर लिया जाएगा। NGAD एक हाईली क्लासिफाइड और एक सीक्रेटिव प्रोग्राम है US एयर फोर्स का टू इंक्रीज लीथैलिटी एंड इंश्योर एयर सुपीरियरिटी। इस रेवोल्यूशनाइज प्रोग्राम में US एयर फोर्स एक मुकम्मल सिस्टम ऑफ सिस्टम्स को डेवलप करेगा और उसे अडॉप्ट करेगा इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इस पूरे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के अंदर एज अ सेंटर पीस रोल प्ले करेगा जो कि इस पूरे सिस्टम के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा और इस पूरे नेटवर्क में मल्टीपल मैंड एयरक्राफ्ट के साथ साथ अनमैंड एरियल व्हीकल्स भी शामिल होंगी और इसके साथ साथ एडवांस कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल होगा। US एयरफोर्स सितंबर 2020 में अपने NGAD प्रोग्राम में फुल स्केल फायर डेमोंस्ट्रेशन भी कर चुका हुआ है। 2030 तक इनिशियली US एयरफोर्स की तरफ से ये इंटेंशन शो की जा रही है कि तकरीबन 206th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ 1000 अनमैंड कोलेबोरेटिव कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे CCAs भी कहा जाता है, इसे भी अपनी फ्लीट में शामिल किया जाएगा, जिसमें से 2 अनमैंड और 1 मैंड 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कम्बिनेशन होगा, जबकि 2 अनमैंड 6th जनरेशन फाइटर जेट और 1 F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट का कम्बिनेशन होगा। और इस वक्त US एयरफोर्स की फ्लीट में टोटल 300 F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके साथ एक और प्रोग्राम भी US एयरफोर्स की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन अडेप्टिव प्रोपल्जन प्रोग्राम कहा जाता है, NGAP। इस प्रोग्राम के मुताबिक US एयरफोर्स अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक एडवांस अडेप्टिव साइकिल इंजन डेवलप करेगा और इस इंजन के डेवलपमेंट के लिए अगस्त 2022 में US एयरफोर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो कि $975 मिलियन का था, जिसमें प्रैट एंड वाइटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग एंड नॉर्थरॉप ग्रूमन शामिल हैं। और फिर नवंबर 2023 में जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से XA-100 इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर फिनिशिंग ऑल ऑफ इट्स एडिशनल टेस्टिंग इन पार्टनरशिप विद US एयरफोर्स। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के अगर इस रेवोल्यूशनरी अडेप्टिव साइकिल इंजन के डिज़ाइन को देखा जाए तो ये किसी भी दूसरे एडवांस कॉम्बैक एयरक्राफ्ट के इंजन से 20% तक ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ 25% तक ज़्यादा बेहतर फ्यूल कंजम्पशन प्रोवाइड करता है और इसी वजह से तकरीबन 30% तक ज़्यादा कॉम्बैक रेंज प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ मोर एयरक्राफ्ट हीट डिसिपेशन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी एडवांस कॉम्बैक एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को मजीद इन्हांस करता है। इसके साथ इस NGAD प्रोग्राम में एक बिल्कुल एडवांस AESA रेडार को डेवलप किया जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली किसी भी दूसरे रेडार से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा वाइडर एयर स्पेस एरिया को कवर कर सकेगा, स्कैन कर सकेगा और ये एक्सट्रीमली फास्ट और क्विक होगा और साइमल्टेनियसली इसमें मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने की कैपेबिलिटीज़ भी होंगी, इवन के अगेंस्ट स्टेल्थी टारगेट्स भी ये ज़्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट होगा। इसके साथ इस मॉडर्न 6th जनरेशन फाइटर जेट का ओवरऑल डिज़ाइन एक न्यू टेललेस स्टेल्थ डिज़ाइन होगा, जो कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को मजीद इन्हांस कर देगा और ये किसी भी रेडार के लिए डिटेक्ट कर पाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ इस एयरक्राफ्ट के लिए एक एडवांस और एक मॉडर्न वैरायटी ऑफ काइनेटिक एंड लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी डेवलप किया जाएगा। NGAD प्रोग्राम में एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें थ्रू आउट द लाइफ साइकिल साथ साथ अपग्रेडेशन होती रहेंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रहेंगी और इसके साथ जो ओवरऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मेंटेनेंस और सस्टेनमेंट है वो भी कट डाउन होती रहेगी। US एयरफोर्स के NGAD फाइटर एयरक्राफ्ट की एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट $300 मिलियन के अराउंड बनती है, लेकिन US एयरफोर्स की यह भी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में CCS जो कि अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, क्योंकि इन्हें ना सिर्फ NGAD फाइटर्स बल्कि 5th जनरेशन फाइटर्स एयरक्राफ्ट के साथ भी रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और ये किसी भी कॉम्बैक सिनेरियो में ज्यादा अफोर्डेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। CCS एयरक्राफ्ट किसी भी मैन फाइटर जेट से कमांड्स को रिसीव एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ ये एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पैकेजेस और एडिशनल म्यूनिशंस को भी कैरी कर सकते हैं, जिसे मैन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कंट्रोल करता है। यूएस एयरफोर्स के इस NGAD प्रोग्राम को नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यानी कि 2028 तक ओवर $16 बिलियन से भी ज़्यादा का बजट रिक्वायर्ड होगा फॉर रिसर्च, डिवेलपमेंट, टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन, जिसमें से फिस्कल ईयर 2023 में $1.7 मिलियन का बजट अप्रूव हो चुका हुआ है और इस साल 2024 के फिस्कल ईयर में तकरीबन $2.3 बिलियन का बजट अप्रूवल हो चुका है। अगर देखा जाए तो यूएस एयरफोर्स के इस NGAD प्रोग्राम में ना सिर्फ 6th जनरेशन मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा रहा है। इस वक्त चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, UK, साउथ कोरिया, ये तमाम कंट्रीज़ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुकी हैं और अनाउंसमेंट्स कर चुकी हुई हैं, लेकिन US हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे रखता है। और जिस वक्त बाकी की तमाम कंट्रीज़ 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही होंगी, उस वक्त US 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा होगा। और US एयरफोर्स के इस NGAD प्रोग्राम में जो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की अप्रोच को यूज़ किया जा रहा है, उसका मकसद भी यही है कि एक पूरा नेटवर्क डेवलप किया जाए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर साथ साथ एडवांसमेंट चलती रहे और ये पूरा नेटवर्क एंड सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑटोनोमसली ऑपरेट होगा एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिवेलपमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती जाएगी। इस वक्त अगर पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ की एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो US एयरफोर्स का ये नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। और यकीनन इससे US की इंटेंशंस भी बिल्कुल साफ़ हैं और US अपने आप को बाकी पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी के अंदर एक कदम आगे रखना चाहता है और अपनी एयर डोमिनेंस को भी बरकरार रखना चाहता है। US एयरफोर्स का ये NGAD प्रोग्राम सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, इस तरह की कोई भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है। अलबत्त 2014 में इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था और 2030 तक ये एयरक्राफ्ट इन सर्विस होंगे। खैर, ये था आज का हमारा टॉपिक। मेरी जो भी थॉट्स थी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इस बारे में जो भी थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।